खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद एक्शन में केजरीवाल, आज आम आदमी पार्टी के दफ्तर जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आप प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे, हनुमान जी के दर्शन करेंगे केजरीवाल। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिनों के लिए जमानत मिली है। केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत सुप्रीम कोर्ट की ओर से दी गई है। बड़ी राहत के तौर पर इसे आम आदमी पार्टी के लिए देखा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कल तिहाड़ जेल से बाहर आकर संबोधन भी किया, जिसमें सभी का शुक्रिया किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आ गया हूं तिहाड़ जेल से बाहर। केजरीवाल अब आ चुके हैं, आज 11 बजे सुबह हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल और दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी पार्टी दफ्तर में। सीएम ऑफिस, सचिवालय केजरीवाल नहीं जा पाएंगे, चूंकि ये शर्तें हैं कोर्ट की, जिन्हें मानना होगा केजरीवाल को। अगर शर्तों का पालन नहीं करते हैं तो मुश्किल बढ़ सकती है, वापस से जेल जाना होगा। फिलहाल अंतरिम राहत कोर्ट की तरफ से 1 जून तक दी गई है केजरीवाल को। केजरीवाल की इंटरिम बेल यानी कि अंतरिम जमानत को आम आदमी पार्टी लोकतंत्र की जीत बता रही है। जनता न्याय करेगी, तानाशाही का अंत करेंगे केजरीवाल ने कहा। तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे अरविंद केजरीवाल की ओर से कल जेल से बाहर आने के बाद ये बात कही गई। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ केजरीवाल का स्वागत किया। भारी भीड़ आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की सड़कों पर कल नजर आई, खासतौर पर जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए। जब उन्होंने सबका धन्यवाद किया तो बड़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, जेल के ताले टूट गए, केजरीवाल छूट गए, साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जैसे नारे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से लगाए गए। तिहाड़ जेल लेने के लिए केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। ये उसी दौरान की तस्वीर है जब जेल से बाहर अरविंद केजरीवाल आए तो किस तरह जोश से भरे पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया। बाहर आते ही केजरीवाल ने कहा कि देश को तानाशाही से बचाना है, इस तानाशाही से बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों को मिलकर लड़ना होगा। आज बता दें सुबह 11 बजे कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर जाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे केजरीवाल और उसके बाद दोपहर 1 बजे पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अरविंद केजरीवाल की रहेगी। कुछ कहने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है प्रचार प्रसार के दौरान भी अरविंद केजरीवाल को। हाँ, इस पूरे मामले के, दिल्ली शराब घोटाले मामले के जो अन्य आरोपी हैं उनसे मुलाकात केजरीवाल नहीं कर पाएंगे, जो गवाह हैं उनसे नहीं मुलाकात केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन प्रचार प्रसार के दौरान कुछ भी कहने पर उनको रोक नहीं है। देश को तानाशाही से बचाना होगा, ये बात अरविंद केजरीवाल की ओर से जेल से बाहर आते ही की गई। उत्साह कार्यकर्ताओं का जोश देखते ही बना, तस्वीरें भी आपने देखी और टीवी स्क्रीन पर भी तस्वीरें हैं। फिलहाल किस तरह से हाथों में आम आदमी पार्टी का झंडा लेकर पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे, अरविंद केजरीवाल का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। जबरदस्त आतिशबाजी इस दौरान की गई पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से। ज्यादा डिटेल्स मैं ले लेती हूँ, चूंकि आज केजरीवाल सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाने वाले हैं, उसके बाद दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी केजरीवाल की है। इस पर मेरे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद अफसर जुड़ गए हैं। मोहम्मद अफसर, क्या पूरी तरह से अटैकिंग मोड में केजरीवाल रहने वाले हैं, चूंकि संजय सिंह को हमने देखा था जब जेल से बाहर आए थे तो किस तरह से बुलंद आवाज उन्होंने की थी बीजेपी के खिलाफ,
अब केजरीवाल का क्या नया अंदाज, अलग अंदाज देखने को मिलेगा आज से? कुछ दिन की राहत उन्हें मिली है, आज क्या रहेगा पूरा कार्यक्रम? बिल्कुल, केजरीवाल जेल से बाहर आते ही, क्योंकि कल ही उन्होंने बिल्कुल मीडिया को संबोधित किया और क्लियर कर दिया कि वो एक भी वक्त चुप नहीं बैठने वाले। आज पूरा दिन का शेड्यूल उन्होंने कल शाम में ही बता दिया। सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे, 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जनसभाएं शुरू कर देंगे आज से ही। मतलब रेस्ट का कोई भी नाम नहीं, मतलब अगले 20 दिनों तक वो बाहर है, 50 दिन तक वो जेल में थे। 20 दिनों तक ये जब बाहर हैं तो लगातार वो अटैकिंग मोड पर रहेंगे। पहले दिन ही उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, हमारा देश 4000 साल पुराना है लेकिन अभी भी यहाँ पर फ्रीडम नहीं है, और अपने बातों को दोहराया। और साथ ही पूरे पार्टी ने कहा कि ये लोकतंत्र की जीत है और पार्टी के लिए नो डाउट एक बहुत बड़ा कमबैक भी है, क्योंकि पार्टी के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बाहर आने के बाद जो कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा था वो कल रात में ही दिख रहा था। कई बहुत देर तक पटाखे छूटते रहे, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर बहुत दूर से ही फूलों की लाइन लगा दी गई थी, स्वागत का अंदाज देखने लायक था। तो मतलब ये कि पूरी तरह से पार्टी भी तैयार है, अरविंद केजरीवाल अटैकिंग मोड में है, निकलते ही केंद्र सरकार पर हमला बोला, ईडी पर हमला बोला और आज पूरे दिन का शेड्यूल क्लियर कर दिया कि सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे, 1 बजे पार्टी ऑफिस जाकर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसके बाद दक्षिण दिल्ली में सही राम पहलवान जो उनके कैंडिडेट हैं उनके समर्थन में रोड शो भी करेंगे। तो बिल्कुल पूरी तरह से आज का दिन शेड्यूल भी क्लियर है, और जैसे जैसे क्योंकि जहां जहां पर वो जा रहे हैं वहां वहां पर वो मीडिया से भी बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से भी बात कर रहे हैं और हर जगह अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। जब वो कल घर पहुंचे थे वहां भी मीडिया से बात किया, जब वो तिहाड़ से बाहर निकले थे वहां भी उन्होंने मीडिया से बात की, और आज जब वो 11 बजे हनुमान मंदिर जाएंगे तो नो डाउट वहां भी बात करेंगे और पूरी तरह से अटैकिंग मोड में ही दिखेंगे। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो 50 दिन के बाद उनके मीडिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, तो आज फुल अटैकिंग मोड में दिखेंगे। जब सही राम पहलवान के जनसभा में जाएंगे तो वहां भी उनके तेवर देखने लायक होंगे। मतलब पूरी तरह से पार्टी भी तैयार है, पार्टी में नो डाउट एक एनर्जी बूस्ट हो गया है और वो दिख भी रहा है कल रात से ही, और आज सुबह से अरविंद केजरीवाल तैयार हैं अपने कार्यक्रम के लिए। थोड़ी देर में वो 11 बजे के आसपास घर निकलेंगे हनुमान मंदिर के लिए और उसके बाद उनका शेड्यूल एज ऑन रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए पूरी तरह से अटैकिंग मोड में केजरीवाल नजर आने वाले हैं। पूरा कार्यक्रम सेट हो चुका है आज का, पहले सुबह 11 बजे हनुमान मंदिर, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद दक्षिणी दिल्ली के उम्मीदवार सही राम पहलवान के लिए वोट अपील की जाएगी। चुनावी पूरा कार्यक्रम आज से ही केजरीवाल का शुरू होने वाला है। आज जब हनुमान मंदिर जाएंगे अरविंद केजरीवाल, मोहम्मद अफसर, तो उस दौरान कौन कौन मौजूद रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में? क्या अरविंद केजरीवाल के निशाने पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है या फिर दिल्ली की जनता को किसी तरह का कोई खास संदेश देंगे? 50 दिन जेल में कैसे बीते, क्या इसके बारे में बताएंगे? बिल्कुल अंजलि, सबसे पहले कि जब वो हनुमान मंदिर जाएंगे तो यकीन मानिए कि वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होने वाली है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है वहाँ पर, क्योंकि हनुमान मंदिर के सामने से ही रास्ता जाता है जो पंडित पंत मार्ग की ओर जाता है, क्रॉट प्लेस का एरिया टच होता है, तो इसीलिए ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाएगा। और इसीलिए कार्यक्रम को शायद अरविंद केजरीवाल ने 10 बजे के बाद रखा है, क्योंकि 10 बजे तक ऑफिस की टाइमिंग होती है तो लोगों को ऑफिस पहुँचने में दिक्कत ना हो। तो जब 11 बजे पहुँचेंगे तो उम्मीद की जा रही है कि जितने छोटे बड़े नेता हैं वो तो रहेंगे ही, जो लोकसभा कैंडिडेट्स हैं वो भी साथ में रहेंगे, जो विधायक हैं जाएगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएगा, इंडिया अलायंस की तरफ जाएगा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का बाहर आना, जो कि एक एक्सेप्शनल कम्युनिकेटर हैं, वो अपनी बात को साधारण भाषा में जिस तरीके से लोगों के बीच रख सकते हैं, इस तरीके के लोग कम हैं। ऐसे में उनका बाहर आना, कैंपेन करना, मुझे लगता है कि देश के लिए जो है एक दिशा मोड़ने वाला समय रहेगा और इस चुनाव के अंदर अभूतपूर्व बदलाव आएंगे। मुझे लगता है कि चुनाव पलट जाएगा। तो केजरीवाल जी को लगता है उनके चुनाव प्रचार में उतरने से फिर उनकी वाइफ भी साथ में रहेंगी या फिर कांग्रेसी भी आपके साथ रहेंगे, किस तरीके से? अब तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कौन उनके साथ नहीं रहेगा।
हर आदमी उनके साथ रहेगा, हर बच्चा बूढ़ा जवान उनके साथ रहेगा। कौन नहीं चाहेगा अरविंद केजरीवाल जी के साथ दिखना? अगर कोई साथ नहीं रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी साथ नहीं रहेगी और भारतीय जनता पार्टी कुछ दिनों में सरकार में भी नहीं रहेगी। तो आपको लगता है कि जो बेल मिली है उनको आज आरोपों की चिंता किसी को है ही नहीं। आरोप लगाना तो भारतीय जनता पार्टी का काम है, कौन पूछ रहा है उनके आरोपों को? बड़ी बात यह है कि अब 22 दिन में चुनाव को अरविंद केजरीवाल पलट देंगे और फिर आरोप वारोप तो चलते रहेंगे। ऐसी तो खूब जो है भारतीय जनता पार्टी से लड़ाइयाँ हमारे विधायकों ने लड़ी हैं, सैकड़ों केस हमारे विधायकों पे हुए हैं और सैकड़ों केसों के अंदर खूब चलाया गया कि ये आदमी ये है, ये आदमी ये है, और सबके अंदर जो है बाइज्जत भरी हुए हमारे लोग। अब क्या लगता है इनके बाहर आने के बाद कितनी सीटें आप लोग दिल्ली की? अब देखिए, मैं तो योगेंद्र यादव हूँ नहीं कि मैं ये बता पाऊँ, मगर इतना मैं कह सकता हूँ कि अब चुनाव पलट जाएगा। आम आदमी पार्टी का जोश पूरे तरीके से हाई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि चुनाव पूरी तरह से इस बार पलटने वाला है। आम आदमी पार्टी के कैलाश गहलोत का क्या कहना है अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर? हमारी संवाददाता शुभ्राणा ने उनके साथ खास बातचीत की, देखिए। अरविंद केजरीवाल की रिहाई के बाद कैलाश गहलोत उनसे मिलके निकले, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ अंदर बातचीत हुई? नहीं, अभी तो अंदर सब लोग जो MLAs हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, CM पंजाबी थे, तो एक नॉर्मल इंटरेक्शन चला कि भाई कैसा अंदर का माहौल है और कैसा बाहर क्या चल रहा था। लेकिन जो मुख्य रूप से जो बातें हुई कि कल से ही वो बिल्कुल जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको इतनी बड़ी राहत दी है, वो कल सुबह 11 बजे से ही हनुमान मंदिर, 1 बजे PC पार्टी ऑफिस में, फिर साउथ में रोड शो और ईस्ट में रोड शो। कैलाश जी, आखिरी सवाल, आपने जमीन से जुड़कर इतना काम किया है, अब पार्टी की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या फिर से सुनीता केजरीवाल शामिल होंगी? नहीं, देखिए, सुनीता केजरीवाल जी का जो इन्वॉल्वमेंट बढ़ा जब CM साहब नहीं थे, तो हमारे तो नेता, मुखिया और जो फेस है पार्टी की, वो अरविंद केजरीवाल हैं, तो आई एम श्योर शी विल बी इन्वॉल्वड टू सम एक्सटेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू बातचीत करने के लिए। आप कैलाश गहलोत जी को सुन रहे थे, जिन्होंने ये बात कही कि सुनीता केजरीवाल की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आगे भी हो। मैं शुभ कैमरा पर्सन देवेश के साथ इंडिया न्यूज़ दिल्ली।